उसी वक्त दिल दहला देने वाली बड़ी घटना की बात सामने आ रही है, जहां खुशरूपुर में जमीन विवाद में 4 लोगों को गोली मारने की बात सामने आई है, जिसमें से 2 लोगों की मौत मौके वारदात पे ही हो गई है और बाकी 2 अन्य लोग जिनको गोली लगी है उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग जुट गए। स्थिति नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद हो गए। बताया जाता है कि मामला खुशरूपुर थाना क्षेत्र के मंसूरगंज स्थित लोदीपुर की है, जहां पर बीती रात एक ही गांव के 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई, जिसमें अरुण सिंह मंजू देवी दुखी पति पत्नी है गोली लगी, जिसके बाद मौके पर ही दंपति की मौत हो गई। बाकी 2 और अन्य लोगों को गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार के 2 अस्पताल भेजा गया। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो संबंधित थाने को इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी कि जमीन विवाद में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन थाना अपने स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इस तरह की घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने सुबह सुबह ही खुशरूपुर 4 लेन में जाम कर उसकी वजह से गाड़ियों का आवागमन भी बाधित हो गया। मृतक के स्वजनों और ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित थाना के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। इधर घटना की सूचना मिलते ही पटना SSP सहित अन्य लोग पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लोगों को शांत कराया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसी है गांव के
बात का कारण में इसके परिजन लोग बता रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों की लड़ाई में बता रहे हैं।